प्रीवियस वीडियो में हमने सेरिबेलम की एनाटॉमिकल फंक्शनल एरियाज और सेरिबेलम के इनपुट आउटपुट सर्किट को देख लिया था, या इनपुट आउटपुट सिग्नल्स को। अब हम देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, सेरिबेलर कॉर्टेक्स का या फिर सिंपल कॉर्टेक्स का फंक्शनल यूनिट क्या है। इसमें परकिंजी सेल आ जाएंगे और डीप न्यूक्लियर लेयर। तो मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स, इसके तीन लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेयर। इसके बाद जो लेयर आती है परकिंजी सेल लेयर, और लास्ट में आती है ग्रैनुलर सेल लेयर। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट सेल होते हैं उनका नाम है परकिंजी सेल। क्या बोलते हैं उसको? परकिंजी सेल। ये परकिंजी सेल डेंड्राइटिक आर्बराइजेशन बनाते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में। मैं आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में देखिएगा मॉलिक्यूलर लेयर, परकिंजी सेल लेयर एंड द ग्रैनुलर सेल लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर आपको परकिंजी सेल की डेंड्राइटिक आर्बराइजेशन देखने को मिलती है, और साथ ग्रैनुलर सेल के जो ग्रैनुलर सेल लेयर में होंगे उनके पैरेलल फाइबर्स। ये पैरेलल फाइबर्स यहाँ पे जाने के बाद दो में डिवाइड होते हैं, बाइफर्केट हो जाती है, तो बनते हैं इस तरह पैरेलल फाइबर्स। तो मॉलिक्यूलर लेयर में पैरेलल फाइबर्स परकिंजी सेल के डेंड्राइटिक आर्बराइजेशन के साथ साइनैप्स करते हैं। बाकी आपको दो तरह की इनपुट आपको नजर आ रही होगी सेरिबेलम के पास। एक होगी क्लाइंबिंग फाइबर्स, दूसरी होगी मॉसी फाइबर्स। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हो गए ये ख़त्म होते हैं परकिंजी सेल के ऊपर, जो मॉसी फाइबर हैं ये ख़त्म होते हैं ग्रैनुलर सेल के डेंड्राइट के ऊपर। ठीक हो गया। तो मॉसी फाइबर की इनपुट आएगी ग्रैनुलर सेल के पास, और क्लाइंबिंग फाइबर की इनपुट आएगी परकिंजी के डेंड्राइटिक आर्बराइजेशन के पास। इसके साथ साथ क्लाइंबिंग फाइबर और मॉसी फाइबर ये डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई इसको भी एक्साइट कर देते हैं। ठीक हो गया। बाकी परकिंजी सेल इसको इनहिबिट कर देता है। तो इसका मतलब डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई इनके दो एक्साइटेटरी सोर्स है और एक इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी कहाँ से आएगी? क्लाइंबिंग और मॉसी। इनहिबिटरी इनपुट आएगी परकिंजी के पास। परकिंजी सेल असल में सेरिबेलर कॉर्टेक्स की आउटपुट होती है, जबकि डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई ये ओवरऑल सेरिबेलम की आउटपुट होती है। हम इसको यहाँ से देख ले रहे हैं, तो यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे भी एक डायग्राम बनी हुई है। इसके बाद जो हमने कहा था कि इनपुट दो सोर्स से आ सकती है, क्लाइंबिंग फाइबर जो इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से आते थे, दूसरा आपको मॉसी फाइबर। मॉसी फाइबर ग्रैनुलर सेल के ऊपर साइनैप्स करती है, जबकि क्लाइंबिंग फाइबर परकिंजी सेल की डेंड्राइटिक आर्बराइजेशन के ऊपर साइनैप्स करती है। अब होगा क्या, जो परकिंजी सेल का जो एक्सोन है, ये आपको परकिंजी सेल का एक्सोन नजर आ रहा होगा, ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स की आउटपुट होगा, जो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट करेगा। जो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। यहाँ पर आपको तीन पॉइंट्स आने चाहिए। नॉर्मल लेवल पर परकिंजी सेल और सेरिबेलर न्यूक्लियाई इनके पास बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज भी किया जा सकता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है। जो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई ये दो एक्साइटेटरी इनपुट लेते हैं और एक इनहिबिटरी इनपुट लेते हैं। इनहिबिटरी इनपुट परकिंजी से आती है, एक्साइटेटरी इनपुट क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर से आती है। इसके साथ हमें कुछ और इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन भी देखने को मिलते हैं, बास्केट सेल, स्टीलेट सेल, गोल्जी सेल। वो भी आगे सिग्नल्स को रेगुलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। इनके डिस्चार्ज को देख लेते हैं। जो क्लाइंबिंग फाइबर की जो डिस्चार्ज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और शार्प होती है। यानी क्लाइंबिंग फाइबर अगर एक सिंगल इंपल्स प्रोड्यूस करे तो वो सिंगल प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है परकिंजी सेल में। और इसके साथ साथ हमें वीकनिंग सेकेंडरी स्पाइक भी देखने को मिलती है। इस एक्शन को पोटेंशियल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्पाइक। लेकिन जो मॉसी फाइबर होता है, अगर इनकी इंपल्स को देखा जाए तो जो मॉसी फाइबर होते हैं, मॉसी फाइबर बहुत सारे मॉसी फाइबर मिलकर एक परकिंजी सेल को एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा जो एक्टिवेशन होती है वो वीकर ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल की होती है, उसको बोलते हैं सिंपल स्पाइक। इसकी रीज़न ये है कि जो एक क्लाइंबिंग फाइबर है वो 5 से लेकर 10 परकिंजी सेल के लिए काफ़ी होता है, लेकिन एक मॉसी फाइबर बहुत सारे परकिंजी सेल के लिए होता है। वहाँ पर हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिली है, यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक सिग्नल देखने को मिलता है मॉसी फाइबर का, लेकिन क्लाइंबिंग फाइबर का काफ़ी ज़्यादा शार्प और इंटेंस सिग्नल होता है। इस एक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्पाइक, जबकि मॉसी फाइबर की एक्टिवेशन की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सिंपल स्पाइक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्न ऑन टर्न ऑफ आउटपुट सिग्नल्स फ्रॉम सेरिबेलम। जब भी कोई पार्टिकुलर मूवमेंट करवानी होती है तो कुछ मसल को फौरन एक्टिवेट करवाना होता है, फिर इसके बाद फौरन इनको रिलैक्स करवाना होता है, मतलब इनकी टर्न ऑन जल्दी करवानी पड़ती है, फिर फौरन इनके टर्न ऑफ कराना पड़ता है। अब होगा क्या, टर्निंग ऑन कैसे होगी, टर्निंग ऑफ कैसे होगी? सबसे पहले आपने इस डायग्राम में देखना था, तो सबसे पहले जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो किसको एक्टिवेट करती थी? डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को।
तो जब डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई की एक्टिवेशन होगी तो कॉर्टेक्स के पास पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, कॉर्टेक्स के पास पॉजिटिव सिग्नल जाएगा तो कॉर्टेक्स मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देगा और ये फौरन होगा। इसके बाद परकिंजी सेल की भी स्टिमुलेशन हो जाएगी, फिर परकिंजी सेल इसको इनहिबिट कर देंगे तो पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी मसल की, फिर इसके बाद फौरन रिलैक्सेशन हो जाएगी। मतलब सबसे पहले जो टर्निंग ऑन हो रहा था वो डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई की स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा था। जो डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई क्यों स्टिमुलेट हुए, इनके मौसी फाइबर और क्लाइंबिंग फाइबर ने इनको स्टिमुलेट किया। इसके बाद जो मौसी फाइबर और क्लाइंबिंग फाइबर किसके पास गए, परकिंजे के पास, उसको एक्टिवेट किया। परकिंजे ने किसको इनहिबिट कर दिया, डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई को। इस सिग्नल को बोलते हैं टर्न ऑफ सिग्नल, पहला था टर्न ऑन सिग्नल, दूसरा था टर्न ऑफ सिग्नल। इसी की वजह से सेरिबेलम रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए क्योंकि सेरिबेलम डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं डिसडियाडोकोकाइनेसिया। क्या बोलते हैं उसको, डिसडियाडोकोकाइनेसिया। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, ये सेरिबेलम की वजह से होता है। अब आगे बात करते हैं परकिंजी सेल लर्निंग, कि परकिंजी सेल लर्न कर सकते हैं, अपने मॉडल एरर को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इससे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंबिंग फाइबर वो एक कॉम्प्लेक्स स्पाइक प्रोड्यूस करते हैं जबकि मौसी फाइबर सिंपल स्पाइक प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पाइक में जो इंटेंसिटी होती है एक्शन पोटेंशियल की काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सिंपल स्पाइक में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो क्लाइंबिंग फाइबर होते हैं, जो क्लाइंबिंग फाइबर की इनपुट होती है परकिंजी सेल पर, वो परकिंजी सेल की सेंसिटिविटी को मॉड्यूलेट कर सकती है, ताकि जो परकिंजी सेल की सेंसिटिविटी है वो पैरेलल फाइबर पर वो कंट्रोल हो सके। तो क्लाइंबिंग फाइबर किसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगी, परकिंजी सेल की सेंसिटिविटी किसके लिए, पैरेलल फाइबर के लिए। जब मिसमैच होगा यानी मोटर एरर देखने को मिलेगा, तब क्लाइंबिंग फाइबर की इनपुट काफ़ी ज़्यादा विगरस होगी, इतनी ज़्यादा विगरस होगी कि जो परकिंजी सेल होगी उनकी सेंसिटिविटी पैरेलल फाइबर के लिए चेंज हो जाएगी। जब तक प्रैक्टिस होती रहेगी तब मिसमैच या मोटर एरर खत्म हो जाएगा। जब मोटर एरर खत्म हो जाएगा तो क्लाइंबिंग फाइबर की एक्टिविटी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। अब जो क्लाइंबिंग फाइबर की एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोटर एरर के, और क्लाइंबिंग फाइबर की एक्टिविटी परकिंजी सेल की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती है पैरेलल फाइबर के लिए। इसी वजह से परकिंजी सेल मोटर एरर को करेक्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग सेरिबेलम में होती है परकिंजी सेल की वजह से। अब सेरिबेलम के मैंने तीन पार्ट बताए थे, एक फ्लोक्युलर नॉटिलर लोब, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर सेरिबेलम, एक था स्पाइनो सेरिबेलम और तीसरा था सेरिब्रो सेरिबेलम, जिसको लैटरल जोन ऑफ सेरिबेलम भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शन को देख लेते हैं। पहला जो है वेस्टिबुलो सेरिबेलम, वेस्टिबुलो सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के साथ मिलके और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलके क्या कराएगा, इक्विलिब्रियम को और पास्चर को कंट्रोल करेगा। तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम ब्रेन स्टेम में वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से ट्रैक निकलते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, वो एंटी ग्रेविटी की मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, और ये इक्विलिब्रियम और पोस्चर रैपिड डायरेक्शनल चेंजेस वाली मूवमेंट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो सिंपल और कैलकुलेटेड मूवमेंट हो सकती है जिसमें डायरेक्शन ज़्यादा चेंज ना हो, लेकिन रैपिड डायरेक्शनल चेंजेस वाली मूवमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको कोऑर्डिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये फंक्शन होता है वेस्टिबुलो सेरिबेलम का। इसके साथ ये आई के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं वेस्टिबुलो ऑक्युलर रिफ्लेक्स। सेरिबेलम भी इसके साथ रेगुलेट करता है, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आगे नेक्स्ट होगा स्पाइनो सेरिबेलम। ये स्पाइनो सेरिबेलम डिस्टल लिम्ब मसल को कंट्रोल करता है, डिस्टल लिम्ब मसल, अपर लिम्ब में हैंड और फिंगर्स के, लोअर लिम्ब में फीट के और टॉस के मसल को कंट्रोल करता है, इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब जो स्पाइनो सेरिबेलम है इसके पास इन्फॉर्मेशन दो जगह से आ रही है, एक तो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक से, जो सेंसरी रिसेप्टर्स, मसल स्पिंडल्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ज्वाइंट कैप्सूल और हमने क्यूटेनियस रिसेप्टर, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे थे। वो ये बताते हैं कि कौन सी मूवमेंट हुई, और जो पोंटो सेरिबेलर ट्रैक से इन्फॉर्मेशन लेगा वो ये बताएगा कि कौन सी मूवमेंट जा रही थी, यानी प्लान क्या था और रिजल्ट क्या था। रिजल्ट कैसे पता चलेगा, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक से। प्लान कैसे पता चलेगा, पोंटो सेरिबेलर ट्रैक से। फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा, दोनों को कंपेयर, और अगर कंपैरिजन के बाद अगर कोई हमें एरर देखने को मिलता है तो वह परकिंजी सेल उसको ठीक कर लेंगे जब तक वो मोटर एरर खत्म नहीं हो जाता। इसके साथ साथ स्पाइनो सेरिबेलम ये डैम्पिंग मूवमेंट भी करवाता है।
तो सेरिबेलम डैम्पिंग मूवमेंट किस तरह कराएगा? डैम्पिंग का मतलब ऑसिलेशन को इनहिबिट कर देना। ऑसिलेशन का मतलब अगर हमारा जो एक पेंडुलम होता है अगर वो स्पेसिफिक जगह पे आता है तो वहाँ पे रुक जाता है। इसी तरह अगर हमारा मूवमेंट करवानी है, मूवमेंट कराने के बाद किसी एक जगह पे पहुंच गए हो तो मूवमेंट को वहाँ पे स्टॉप करा देना। मैं इसके एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये एक पेंसिल है, पेंसिल, इस पेंसिल को मैंने उठाना है तो पहले मैंने हाथ को यहाँ पे लेके आया, फिर जैसे ही हाथ यहाँ पे पहुँच गया मैंने मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर दिया, फिर दूसरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन की, उसने उसको उठा लिया। तो उसका मतलब एक टारगेट पॉइंट तक पहुंचना और वहां पे पहुंचने के बाद मूवमेंट को फौरन रोक देना, ये डैम्पिंग फंक्शन होता है। अगर ये डैम्पिंग फंक्शन ना होता तो मैं पेंसिल को उठा ही ना सकता। तो यहाँ पे आके मेरा हाथ रुकना चाहिए था लेकिन हाथ यहाँ पे नहीं रुका बल्कि आगे चला गया, फिर दोबारा वापस लेके आया, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया, दोबारा लेके आया, दोबारा लेके, तो ये हाथ मेरा इस तरह मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे या फिर इस कंडीशन को बोलेंगे इंटेंशन ट्रैमर या एक्शन ट्रैमर, के मेरा हाथ बार बार एक ही मखसूस टारगेट पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटेंशन ट्रैमर और एक्शन ट्रैमर। और अगर मेरा हैंड या मेरा आर्म किसी पार्टिकुलर टारगेट को एक मरतबा क्रॉस करे तो उसको बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग, और जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं डिसमेट्रिया और एटैक्सिया। जो शूटिंग मूवमेंट होती है ओवर शूटिंग या अंडर शूटिंग मूवमेंट, ओवर शूटिंग का मतलब मैं आगे गुजर गया, अंडर शूटिंग का मतलब पहुंचा ही नहीं, पहले ही खत्म हो गया। ये फंक्शन भी हो गए स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक की वजह से। अब लास्ट फंक्शन है स्पाइनो सेरिबेलम ट्रैक का, वो है बैलिस्टिक मूवमेंट। बैलिस्टिक का मतलब एक्सट्रीमली रैपिड मूवमेंट, जैसे फिंगर, जैसे जो टाइपिस्ट होता है जो यूँ टाइप कर रहा होता है उसकी रैपिड मूवमेंट, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को भी कंट्रोल करना ये किसका फंक्शन होता है? सेरिबेलम का। अगर स्पाइनो सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो ये बैलिस्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। पहली बात, बैलिस्टिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, इनको इनिशिएट करना बहुत मुश्किल होगा, जितनी फोर्स हमें चाहिए वो भी वीक होगी, और इनको ख़त्म करना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। अगर ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम होगा तो हमारा किसी टारगेट तक पहुंचना मुश्किल होगा। ओवर शूटिंग होगी या पास्ट पॉइंटिंग होगी, ओवर शूटिंग, पास्ट पॉइंटिंग, एटैक्सिया, डिसमेट्रिया, इंटेंशन ट्रैमर, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक की वजह से। अब हम बात करते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम की। सेरिब्रो सेरिबेलम, इसके तीन फंक्शन होते हैं, रट्टा मार लीजिएगा। प्लानिंग करना, सीक्वेंसिंग करना, सीक्वेंस बताना कि इसके बाद ये मूवमेंट करवानी है और इसके बाद मूवमेंट की टाइमिंग करवाना। तो जो लैटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर है ये इन्फॉर्मेशन लेता होता है पोन्टाइन न्यूक्लियस से, वो भी पोन्टाइन न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन ले रहा था। इसके साथ ये कोई प्रोजेक्शन या इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से नहीं लेता। कोई भी अगर मूवमेंट करवानी है उसका जो प्लान होता है, प्लान, तो जो प्लान हमें प्री मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर बनता है, वहाँ से बेजिलर पोन में आएगा, वहाँ से सेरिबेलर न्यूक्लियस और यहाँ पे आ जाएगा किसके पास? सेरिबेलम के पास। अगर लैटरल हेमिस्फीयर को डैमेज कर दे तो जो टाइमिंग है सीक्वेंशियल मूवमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मतलब जो सक्सीडिंग मूवमेंट है वो या तो बहुत पहले हो जाएगी या बहुत ज़्यादा देर में होगी। जैसे एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं रैपिड प्रोनेशन, रैपिड सुपिनेशन, जैसे यूँ यूँ अगर ये मूवमेंट प्रॉपर टाइमिंग से हो रही है, लेकिन अगर लैटरल हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए तो कभी ये मूवमेंट पहले हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुपिनेशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता प्रोनेशन होगी। मतलब प्रॉपर टाइमिंग मोटर एक्टिविटी की, इनकी सीक्वेंसिंग करना, इनकी प्लानिंग करना, ये ख़राब हो जाएगा। जिस तरह राइटिंग करना, रनिंग करना, ये अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगी और यहाँ पे स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये टाइमिंग, प्लानिंग, सीक्वेंसिंग फंक्शन ये किसका होता है? सेरिबेलम का। ना सिर्फ मोटर एक्टिविटी बल्कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन या विजुअल फिनोमिना, इनके भी प्रोग्रेशन को कंट्रोल करना सेरिबेलम के जिम्मे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विजुअल सीन को देख के पता चला सकते हैं कि हमारे पास आने वाला या नहीं आने वाला, जैसे कोई ट्रेन अगर सामने से आ रही हो तो हमें पता है कि कितने टाइम में या फिर कितने जल्दी ये ट्रेन आ जाएगी, हमें स्ट्राइक करेगी, ये फंक्शन भी सेरिबेलम का होता है। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ सेरिबेलम। तो पहले जो है डिसमेट्रिया एंड एटैक्सिया। अगर सेरिबेलम डैमेज कर दे, स्पेसिफिकली स्पाइनो सेरिबेलम, तो मूवमेंट ओवरशूट कर जाएगी। मैंने अगर इस पॉइंट तक पहुँच रहा हूँ तो मेरी मूवमेंट कुछ ज़्यादा ओवरशूट कर गई, फिर इसके बाद ओवरशूट करेगी, मेरा कॉन्शियस सेंटर एक्टिवेट होगा, वो कॉन्शियस सेंटर इसको ठीक करने की कोशिश करेगा, वो इसको और पीछे की तरफ लेके आएगा, लेकिन दोबारा ओवरशूट होगी, फिर मेरा सेरिबेलम दोबारा आगे पहुंचाएगा, तो मेरा हाथ इस तरह मूव करता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा। इसको बोलते हैं, ओसिलेशन को बोलते हैं हम इंटेंशन ट्रैमर या एक्शन ट्रैमर, क्योंकि ये एक्शन करते वक्त ही हमें देखने को मिलती है। और ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं जो ओवरशूट अंडरशूट करती है, उसको बोलते हैं हम डिसमेट्रिया या एटैक्सिया। क्या बोलते हैं उसको? डिसमेट्रिया या एटैक्सिया। डिसमेट्रिया इफेक्ट का नाम है या कंडीशन का नाम है, एटैक्सिया मूवमेंट का नाम है। और ये किसकी वजह से होगा? स्पाइनो सेरिबेलम की या स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक की लीजन की वजह से होगा। अगला है पास पॉइंटिंग। पास पॉइंटिंग का मतलब होता है कि
अगर हमने किसी टारगेट तक जाना है तो हम टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बल्कि अपने टारगेट से आगे निकल जाएंगे। ये पास पॉइंटिंग कुछ नहीं है, बस डिसमेट्रिया का एक फिनोमिना है या डिसमेट्रिया का इफेक्ट है। तो पास पॉइंटिंग क्या होगा? फेलियर ऑफ मूवमेंट सिग्नल टू बी टर्मिनेटेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड द लिम्ब कॉन्ट्रैक्शन पास्ट और बियॉन्ड इट्स इंटेंडेड टारगेट, कि टर्मिनेशन में मसला होगा। यहाँ पे मसला टर्मिनेशन पर, और यहाँ पे मसला इनिशिएशन में भी हो सकता है या टाइमिंग में। अगला है डिसडियाडोकोकाइनेसिया। डिसडियाडोकोकाइनेसिया का मतलब हम रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। एक रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट है, अगर सेरिबेलर लिगन होगा तो रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट नहीं हो सकती, प्रॉपर टाइमिंग से नहीं हो सकती, क्योंकि सेरिबेलम ने प्लानिंग को, सीक्वेंसिंग को, टाइमिंग को कंट्रोल करना है। अगला है डिसआर्थ्रिया। ये डिसआर्थ्रिया मुझे बहुत ज़्यादा है, स्पीच डिफेक्ट। इसमें यह होगा कि एक सिलेबल में दूसरे सिलेबल तक जाने के लिए स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उस बंदे की स्पीच को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इसका शिकार हूँ डिसआर्थ्रिया का। नेक्स्ट इज इंटेंशन ट्रैमर। इंटेंशन ट्रैमर जो आपको मैंने करके दिखाया था, ये वाला इंटेंशन ट्रैमर, ये वो ट्रैमर थे, ये जब भी होगे जब वॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, रेस्टिंग स्टेट पे नहीं होगे। जो रेस्टिंग में होते हैं वो बेसल गैंग्लिया की वजह से होते हैं। इसके बाद है सेरिबेलर निस्टैग्मस। निस्टैग्मस आई बाल की ट्रैमिंग होना, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फिक्स करना चाहे, यानी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखना चाहे तो हमारे आई बाल उस पर फिक्स ना हो बल्कि इनवॉलेंट्री ऑसिलेट करती रहे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं निस्टैग्मस। लास्ट है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब मसल टोन डिक्रीज हो जाना। ये इस वजह से होगी क्योंकि आपको बताया था कि सेरिबेलम स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इन्हांस करता है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो डिसमेट्रिया एटैक्सिया, पास पॉइंटिंग, इसके साथ इंटेंशन ट्रैमर, हाइपोटोनिया, ये चार इस किसकी वजह से होगी? स्पाइनो सेरिबेलम की वजह से। निस्टैग्मस फोलिकुलर नोड्यूलर लोब यानी वेस्टिबुलर सेरिबेलम की वजह से। जो डिसडियाडोकोकाइनेसिया, डिसआर्थ्रिया, ये होगा सेरिब्रो सेरिबेलम की वजह से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।